हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घर की बगिया। दोस्तों आज फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। दोस्तों वीडियो कैसी लगेगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों प्लीज़ पूरे वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और आगे इसी तरह वीडियो में बने रहना और मेरे हौसले को बढ़ाते रहना। दोस्तों आइए चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों यह है गेंदा जो गमले में लगाया जाता है। तो ये गमले में जैसे नर्सरी में मिलते हैं छोटे छोटे पन्नी में, उसमें एक दो फूल खिलता है बस ख़त्म हो जाता है और एक दो फूल में ही उसका टाइम समाप्त हो जाता है। तो हमें करना क्या चाहिए, जैसे नर्सरी में हम पौध लेने जाते हैं तो छोटे छोटे जो पौध मिलते हैं वही लेना चाहिए, उसी से हम इसी तरह फूल खिला सकते हैं। तो मैंने नर्सरी से छोटा सा एक नर्सरी में गई हूँ तो नर्सरी वाला बोल रहा है कि ये वाला ले जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे छोटा छोटा पौध चाहिए, तो सस्ता भी पड़ता है और हमारा किसी भी गमले में लगाते हैं तो भर के फूल खिलता है। इस साल दोस्तों मेरा थोड़ा लेट हो गया था इसीलिए, क्योंकि आपको पता ही है जैसे लोगों ने सब्जी फूल की बीज दाने उन्हें डालने लगे तो बारिश होके सारा खराब हो गया। जैसे गोभी का होता है पौध डालते नर्सरी वाले जो पौध बेचते वो भी, तो खराब होने के कारण से वो मैं टाइम से लगा नहीं पाई हूँ। फिर मैं एक दिन नर्सरी में गई तो मुझे छोटा छोटा ये पौध मिला, तो मैं 10-15 पौध वहाँ से लेके आई। तो 10-15 पौध, एक एक पौध कितने की मिलता, 5 रुपये से 6 रुपये। तो हम 5-6 रुपये से अगर ला के लगा के थोड़ा मेहनत करते हैं तो इसी तरह बहुत ही बढ़िया सुंदर फूल खिलता है। देखिए दोस्तों मेरे पीछे भी कितने सारे फूल है, देखिए मैंने लगाया कि इसमें गमले में, और गमले में होता क्या है, ज़रा सा मट्टी ज़रा सा मेहनत से बहुत अच्छा फूल खिल जाता है। और अभी तो स्टार्ट ही हुआ है फूल खिलना, देखिए अभी भर के खिलेगा सारा। तो इसमें जब मैंने मिट्टी तैयार किया तो वही पुराना वाला प्रोसेस, जैसे बालू और गोबर का खाद, किसी के पास बर्मी कंपोस्ट हो तो बर्मी कंपोस्ट या किसान वेस्ट, तो मैं इसी में किसान वेस्ट मिलाई हूँ। और भूसा, जैसे धान का भूसा हो जाए या पत्ते का चूरा हो जाए या जैसे राइस जो भूसा होता है राइस वाला, वो भी तुम मिला सकते हो। तो मिलाने के बाद तुम इसमें भर दो। और डालना क्या होता है, जैसे एक चीनी की तरह एक दाना दाना नीला कलर का फेरेडोन आता है, नहीं तो आप नीम खली मिला सकते हो। मिला मिट्टी मिला के फिर इसी तरह गमले में भर दो। भरने के बाद इसको लगा दो। लगाने के बाद 20 दिन बाद इसमें थोड़ा सा जो DIP खाद होता है, कोई डाया भी बोलते हैं, तो उसी को ज़्यादा नहीं 10-12 दाना किनारे से डाल के हल्का सा गुड़ाई कर दो और पानी डाल दो। तो गेंदा का ज़्यादातर बीमारी क्यों लगते हैं, इसीलिए लगते हैं कि इसमें जो मिट्टी होता है उसमें कीड़े लग जाते हैं। कीड़े के कारण क्या है, जैसे या नीम की खली मिला दो या फेरोडन मिला दो, तो मैं इसमें मिलाई हूँ और उसी के बाद इसमें कीड़े नहीं लगे। और मैंने इसमें क्या किया, इसमें जो DIP दाना है एक बार मैंने डाला और दूसरी बार में इतना सारा फूल खिलिया। अभी इसी में डालूँगी और जितना भी ये कलिया है सारे मोटे मोटे फूल हो जाएंगे। तो अभी थोड़ा ज़्यादा ही DIP की दाना डालूँगी, मैं दिखाती हूँ किस तरह से डाला जाता है। ये मैं ज़्यादातर मैं तो किसान वेस्ट या बर्मी कंपोस्ट यूज़ करती हूँ। तो ये दाना क्यों मैं डाल रही हूँ, अभी इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें मोटा मोटा फूल आए। इस साल से कम ही खिला है मोटा, पिछले साल इतना मोटा मोटा खिला था, तो उस टाइम मैंने चैनल शुरू नहीं किया था इसीलिए आप लोगों को दिखा नहीं पाई हूँ। मेरा हमेशा कहीं पर भी कोई सा भी फूल हो मन भर के खिलता है, मैं मन भर के इसमें मेहनत करती हूँ। तो मैं अभी इसमें कितना डालती हूँ, और ज़्यादातर क्या ध्यान रखना पड़ता है इसका, पानी, क्योंकि अभी जो मौसम का टेम्परेचर है बहुत ही कम हो जाता है तो पानी का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अगर पानी का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो होगा क्या, इसका जो जड़े है वो गलना चालू हो जाता है। और देखिए मेरा इसमें नमी है, इसी तरह कैमरा को थोड़ा पास ले आइए, दोस्तों को दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें इसी तरह नमी होना चाहिए, ये नमी एकदम बराबर है, इसी तरह ना सूखा होना चाहिए ना ज़्यादा नमी होना चाहिए। एक हफ्ते में आप करना क्या है, हफ्ते में 2 बार पानी डाल दो, अभी जैसा मौसम की टेम्परेचर के हिसाब से 2 बार पानी डालने से ही सही रहेगा। और थोड़ा जैसे शुरुआत की जो सर्दी होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, मतलब मिट्टी में हल्का नमी होना है तो ही ठीक रहता है। अगर नमी में हम फिर दोबारा पानी डाल देंगे तो हमारे जड़े गल जाएंगे, इसीलिए हल्का हल्का पानी डालना चाहिए। और इसमें अभी जैसे ये फूल है और जो ये कलियाँ बन रहे हैं, तो ये कलिया के लिए हमें करना क्या है, DIP की दाना लगाने की 3 बार डालना पड़ेगा इसमें। जैसे लगा दिया पौधे को, फिर 20 दिन बाद ही इसमें 10-12 दाना डालेंगे, उसके बाद 15 दिन बाद फिर 10-12 दाना डालेंगे, उतने में ये फूल आना चालू हो जाता है।
तो मैं इसमें थोड़ा अभी ज़्यादा ही डालूंगी, 20 दाना के लगभग, क्योंकि अभी पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया, तो जितना बड़ा पेड़ होगा उसमें खाना उतना ही चाहिए। तभी मैं इतना ही डालूंगी, देखिए इतना ही डालूंगी। अभी क्या करूंगी, किनारे से डाल के फिर मैं थोड़ा हल्का गुड़ाई कर लूँगी। इसी तरह किनारे से ही डालना, क्योंकि इसलिए किनारे से डालना पड़ता है, जड़ों में अगर जाते हैं तो पेड़ गल जाएंगे, क्योंकि इसका भी तो थोड़ा असर होता है। देखिए मैंने डाल दिया, और इसी तरह ये सारे पौधों में अभी मैं डालूंगी। तो मैं एक पौधे में लगा के दिखा रही हूँ, और इसी में थोड़ा अभी गुड़ाई निड़ाई कर दूंगी। थोड़ा सा इसमें हल्का गुड़ाई करना होगा, क्योंकि अभी इसके जड़ फैल चुका है। हम ज़्यादा भारी गुड़ाई करेंगे तो होगा कि जड़ कट जाएंगे, और कटने के बाद पेड़ खराब हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा। आप चाहते हो तो अगर मिट्टी भुरभुरा है तो इसको हाथ से भी कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसी तरह कर दिया, और दोस्तों देखिए कितना बढ़िया फूल खिल रहा है। हम जब मेहनत करते हैं तो उसमें भर के फूल जब खिलता है तो देख के बड़ा खुश होते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है आप ज़रूर बताना। और देखिए कितना सारा मेरा गेंदा खिला है, पूरा भर भर के खिला है। और आगे भी मैं इसी तरह नया नया वीडियो लेके आऊँगी, नए नए फूल के बारे में जानकारी दूँगी। दोस्तों इसी तरह मेरे हौसले को बढ़ाना है, और आगे वीडियो में इसी तरह बने रहना है। और थोड़ा भी पानी डाल दूँ, पानी थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इसमें नमी है। हल्का डाल दूँगी तो हो जाएगा, खाली सिर्फ गीला गीला ही होना है, क्योंकि जो खाद डाली हूँ ना वो गल जाएंगे। देखिए दोस्तों मैंने डाल दिया, और मेरा ये वीडियो कैसी लगी है दोस्तों, आगे वीडियो में इसी तरह बने रहना, और मैं नए नए वीडियो के साथ आगे आऊँगी। और दोस्तों मेरे हौसले को बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों।